नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों, आज हम फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर हमें किस दिन पेपर देने को मिलेगा, तो आपके वो इंतज़ार की घड़ी पता है आपको आ गई है। आपके इंतज़ार की घड़ी कब है? 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है। और आप लोगों को आज 19 तारीख हो गई है, जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों को पे भगवान की दुआ बनी रहे, आप सभी लोगों का पेपर बहुत 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 अच्छा हो। हमारी तरफ से आप लोगों का पूरी कोशिश रही है कि हमने जितनी कोशिश कर पाई है आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु थे या जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी जीके से रिलेटेड या भी किसी अन्य सब्जेक्ट से, हिंदी या रीजनिंग और या जीके जीएस रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके बन रहे थे, वो आप लोगों को हमने प्रोवाइड कराया था। इससे अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन कोशिश हमारी ये रही है कि आप सभी लोगों के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट जितना अपनी तरफ से कर सका। कुछ प्रॉब्लम्स आने के कारण बेस्ट, बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन जितना कर सका पूरी कोशिश की है मैंने। लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं, आपको एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से देना, बिल्कुल फ्री माइंड से एग्ज़ाम देना है। आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देना है, और कुछ बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे, उन कमेंट्स के जवाब हम देंगे। कुछ बच्चों ने मैसेज किया है, मैसेज के में लिखते हैं कि सर मेरी हाइट मैंने चेक नहीं किया है कि हाइट हमारी है कि नहीं है। तो आपको हम सबसे पहले इस बात बता दें, आज 19 तारीख है और 21 तारीख को आपके पेपर है। आपकी अगर हाइट अपना चेक करना चाहते हैं तो कहीं अपनी हाइट को चेक कर लीजिए। अगर 168 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप पेपर देने ना जाएं, ठीक है? तो अगर आप पेपर देने बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर आपकी हाइट नहीं है और वहाँ पे आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक शीट बेकार करेंगे, ठीक है? और आप फिर आप फिजिकल से बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इस बात को समझना है, अभी कुछ देर नहीं हुई, आप लोग अपनी हाइट चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करेंगे, जो आपका कुछ लोगों के पास कह रहे थे सर मेरे जो एडमिट कार्ड आया हुआ है उस पर फ़ोटो नहीं अपलोड हुआ है, तो फ़ोटो की बात करें, अगर फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। आप लोग साथ में दो फ़ोटो, कम से कम दो फ़ोटो ले जाइएगा, ठीक है? साथ में अगर वहाँ फ़ोटो अपलोड नहीं है तो आपके इसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपको सही कर दिया जाएगा, वहाँ पे फ़ोटो ज़रूर साथ में दे। तो ऐसे ये नहीं कि, और हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ है तो एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड के साथ में अपना कोई एक आईडी ले जाइएगा। आईडी में आजकल की डेट में आधार कार्ड बहुत ही मान्य है, ठीक है? तो आधार कार्ड हो या किसी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो पैन कार्ड, वैसे अधिकतर सभी के आधार कार्ड बने हुए हैं, तो आधार कार्ड ले जाइए और या पैन कार्ड ले जाइए, एक आईडी ज़रूर साथ में ले जाइएगा। और अपने विषय पे ध्यान देना है, सिर्फ इधर उधर की बातों पे नहीं ध्यान देना है। आप लोगों को सबको पता है कि आपका हिंदी जो आपका है कितने नंबर का आ रहा है, 80 नंबर का आ रहा है, और रीजनिंग जो आपका है आपका 60 नंबर का आ रहा है, और आपका जो जीके जीएस है आपका पोर्शन वो कितने नंबर का आ रहा है, 60 नंबर का, यानी कि आपका 200 नंबर का है। लेकिन कुछ बच्चे सर कह रहे थे कि जो एग्ज़ाम आपका 200 नंबर का होने वाला है, पिछले वर्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, यहाँ पे ध्यान देना, जो आपका पिछले वर्ष जो पेपर हुआ था वो आपका निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं थी, जो आपकी वो इस पेपर में 1/4 निगेटिव मार्किंग है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तब आपकी मेरिट, आपकी जनरल की मैं बात कर लूँगा, केवल जनरल की बात कर लूँ तो जनरल की फाइनल मेरिट आपकी कितनी 132 नंबर गई थी। इसमें 132 में आपका केवल रिटर्न ही नहीं इंक्लूड है, इसमें आपका 20 नंबर का इंटरव्यू था, 20 नंबर का इंटरव्यू इंक्लूड था, यानी कि अगर 20 नंबर का इंटरव्यू हटा देते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे कहीं 112 नंबर आपकी मेरिट रिटर्न की गई थी एग्ज़ाम की जनरल की। इसी तरीके से ओबीसी एसटीसी कुछ कम मेरिट गई थी, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार निगेटिव मार्किंग है, आप लोग बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि आपको देखो बता दूं, अगर किसी के टेस्ट में आप अगर टेस्ट देते हैं घर पे, प्रैक्टिस किया है आप लोगों ने, तो टेस्ट में अगर आप लोगों के नंबर कुछ कम आ रहे हैं, आपके मान के चलिए आपके नंबर 100 से लेकर 110 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, 100 से लेकर 110 के बीच में आ रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि मेरा टेस्ट में यहाँ पे नंबर बहुत बेकार रहा है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा वहाँ पे पेपर अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ का टेस्ट का लेवल जो होता है कुछ हाई बनाया जाता है, और टेस्ट का लेवल और पेपर का लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है? वहाँ पे पेपर जिस तरीके से होता है, वहाँ पे टेस्ट
जो पेपर होता है बिल्कुल सही तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को सिलेक्ट कराना होता है, हर टाइप का बच्चा वहाँ बैठा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे पेपर का लेवल बिल्कुल सही होता है, यहाँ पे पेपर का लेवल कहीं ना कहीं हार्ड बनाया जाता है, टफ बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, बिल्कुल इस चीज़ का बिल्कुल फोकस नहीं करना कि हमारे नंबर टेस्ट में कम आए हैं तो वहाँ पे नंबर हमारे अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। आप लोग बिल्कुल इस बीच का ध्यान नहीं दीजिएगा, आप जाइएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से पेपर दीजिएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर और कोई किसी बात को लेकर फिर हाँ लेके क्या जाना है साथ में, तो मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को अगर एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं है आपको दो फोटो ले जाइएगा, एक आईडी साथ में ले जाइएगा, और पेन आपको अवश्य ले जाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, अगर पेन नहीं ले जाएंगे तो आप पेपर किस चीज़ से देंगे। पूछ रहा था कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि पेन सर किस कलर का ले जाना है, तो देखो आपको बता दें सिर्फ दो ही कलर आपके मान्य होते हैं, एक या तो आप ब्लू कलर का ले जाइए या ब्लैक। अगर ब्लैक है तो ब्लैक आप सर्वाधिक अच्छे से ले जाइएगा, अगर ब्लैक नहीं मिल रहा है तो आप ब्लू ले जाइएगा, ठीक है। ब्लैक ले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा आपका, ठीक है। इन बातों पर ध्यान रखना है। अगर किसी प्रकार का और भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बन रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से टारगेट विद विकास चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।